अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद इशरत। और आज मैं आपके साथ स्ट्रीट स्टाइल स्वीट कॉर्न की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही इजी है और बनकर बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल तैयार होती है। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, बर्तन में पानी गर्म होने रख दिया है मैंने। अभी इसमें एक बॉयल आएगी, उसके बाद मैं इसमें कॉर्न डालूंगी। देखिए, हमारे पानी में बॉयल आ चुका है और अब बारी है इसमें कॉर्न डालने की। देखिए, मैंने ये मार्केट से लिए हुए कॉर्न है, ये फ्रोजन है, आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं। अब मैं इसे इसमें डालूंगी। अब देखिए, मैं एक बार इसे स्टर कर देना है और अब इसमें हम बॉयल आने का वेट करेंगे और फिर उसके बाद मैं इसे निकाल लूंगी। देखिए, कॉर्न में बॉयल आ चुका है। एक मिनट के लिए हमें इसे बॉईल करना है अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर, उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो एक मिनट बाद मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। देखिए, एक मिनट कंप्लीट हो चुका था इसे बॉईल होते हुए, तो अब मैंने कर दिया है गैस की फ्लेम को ऑफ और अब मैं इसे निकालूंगी बाहर। ऐसे एक बोल में निकाल के आप रख लीजिए, सारे इसी तरह से हमें निकाल लेने हैं। देखिए, मैंने पैन को रख दिया है गैस पे और अब सबसे पहले इसमें हम डालेंगे हमारे बॉइल्ड कॉर्न और इसे स्टर करना है। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम किया हुआ है, आप भी इसे मीडियम फ्लेम पर ही बनाइए। और अब मैं डालूंगी इसमें एक टेबलस्पून बटर और अब इसके साथ हम इसे कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। बटर को मेल्ट होने देंगे। ये देखिए, बटर मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। और अब मैं इसमें डालूंगी हाफ टी स्पून सॉल्ट, क्योंकि हमारे मक्खन में भी बटर है इसलिए मैंने इसे थोड़ा कम डाला है। हाफ टी स्पून चाट मसाला और एक टी स्पून ये रेड चिली पाउडर और ये 1/4 टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डालेगा। इसे मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करना है इसे। देखिए, सारे स्पाइसेस मिक्स हो चुके हैं कॉर्न के साथ बहुत अच्छी तरह से। और अब मैं इसमें डालूंगी हाफ लाइम, अच्छे तरह से इसे स्क्वीज कीजिए चारों तरफ। अब इसे हम मिक्स करेंगे। अब देखिए, हमारे कॉर्न बनके रेडी हो चुके हैं और अब मैं इसे करूंगी सर्व और आप लोगों को दिखाती हूँ फिर मैं। और देखिए, तैयार हो चुके हैं कॉर्न, जो बनकर हो जाते हैं बहुत जल्दी तैयार और खाने में होते हैं बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल स्वीट कॉर्न। आप इसे बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको जरूर पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें।